गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो रैंक क्या होती है? बेसिकली रैंक जो होती है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो माइनर, ये हमारी रैंक होती है। और फिर माइनर क्या होता है, फिर हम देखेंगे माइनर क्या होता है। तो सबसे पहले रैंक की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या है कि माइनर हमें देखना है, माइनर एक्चुअली क्या है, क्योंकि क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। तो माइनर हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम ये पता कर पाएंगे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है माइनर का। ओके, तो माइनर का मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। एक मैट्रिक्स ए है 3x4 की है, 1-1, 3, 2, 2, 1, 5, 7, ओके, 1, 1, 1, 1, 7, 2। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है 3x4 की मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें रैंक बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि माइनर हम निकाल लें यहाँ पे। ओके, माइनर का मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स के बारे में, जैसे ये 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी सब मैट्रिक्स क्या होगी? इसकी सब मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स होगी, इसकी सब मैट्रिक्स। ओके, 3x3 की। तो अब 3x3 की हम मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर माइनर चेक हो जाएगा। जब माइनर चेक होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम रैंक बता सकते हैं। तो सबसे पहले सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स को लेना है, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमने ले लिया। और हाँ, ये भी एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स, इसीलिए हमने 3x3 की ली है, वरना हम और ज़्यादा की भी ले सकते थे। तो यहाँ कंडीशन है स्क्वायर सब मैट्रिक्स के बारे में, तो इसको हम ले लेंगे 3x3 की सब मैट्रिक्स, जिसमें ये तो 3x3 की सब मैट्रिक्स। तो अब क्या है इसमें, कौन कौन से है? 1-1, 3, 2, 1, 5, 1, 1, 7। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद वो क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वही हमारी माइनर कहलाएगी। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 ब्रैकेट में ये रो कॉलम को हटाने के बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7-5। ओके, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे, और माइनस लगाने के बाद में फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे इसके साइन के साथ।
तो माइनस पहले से लगा हुआ है और माइनस इसके साथ में है तो प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस वन। उसके बाद ये वाला कॉलम और इस रो को हम हाइड करने के बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 14 माइनस 5, उसके बाद 3 लिखेंगे। 3 के बाद इस रो को, ये कॉलम और रो को हम हाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 9, 9, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो टोटल हमारे पास आएंगे 14, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पे क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। ए 3 क्रॉस 3 माइनर, ये जो हमारा माइनर है 3 क्रॉस 3 का हमने लिया है, वो क्या है? वो नॉन जीरो है, इज नॉन जीरो। ओके, जब नॉन जीरो है तो अब क्या है कि नॉन जीरो है तो ये यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा रैंक 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारी हो गई रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कभी भी 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 5 इस टाइप से अगर मैट्रिक्स दी होगी तो उसमें माइनर सबसे पहले देखेंगे कि माइनर का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है। माइनर का मतलब स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, उसमें वहाँ पे हम माइनर की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लेंगे माइनर की। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट की जो रैंक आएगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो जितने क्रॉस, अगर 3 क्रॉस 3 का वो हमने सब मैट्रिक्स ली थी स्क्वायर, तो उसके बाद क्या है कि रैंक उस माइनर की वही हो जाएगी। ओके, और वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये 3 क्रॉस 3 का है क्वेश्चंस, 3 क्रॉस 3 का एक क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 7, 1 4 7, इस तरीके से है ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का। तो अब हम क्या करेंगे, 3 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है तो सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 4 7, हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे हमने डिटरमिनेंट के लिए बताया था 1, ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 माइनस 14 माइनस 12, उसके बाद माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 3, उसके बाद प्लस ये वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इसको हाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 माइनस 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा -4। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 2, +2 +2 -4 कितना आएगा, ये हमारे पास आ रहा है 0। ओके, अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई तो क्या है कि 3 क्रॉस 3 माइनर इज 0 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 माइनर इज 0। ओके, तो अगर 3 क्रॉस 3 माइनर 0 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उसकी सब मैट्रिक्स देखेंगे। तो 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2। ओके, 2 क्रॉस 2 इसकी सब मैट्रिक्स होगी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इरेज करके यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स।
2x2 की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 2x2 की मैट्रिक्स है 1 1 1 2। ओके, ये हमारे पास है। इसका क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट 1 1 1 2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका क्या है कि माइनर जो है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो 2x2 है वो माइनर नॉन जीरो है, इसलिए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितनी होगी, उसकी रैंक होगी 2। ओके, जब मेन जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम कि जो मैट्रिक्स अगर 3x3 की है तो डायरेक्ट हम उसका रैंक जो है 3 आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है, ओके, तो 3x3 माइनर 0 हो गया हमारे पास। तो अब हम 2x2 माइनर की बात करेंगे। 2x2 की माइनर की जब बात करेंगे तो वहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आता है तो जितने की वो हमने जो सब मैट्रिक्स ली है रैंक भी मेन मैट्रिक्स की वही हो जाएगी। अगर ये भी 0 आ जाता है तो क्या होगा, फिर फाइनली रैंक हमारी एक और कम होके 1 हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद क्या है कि 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें लिखना है। नल मैट्रिक्स के बारे में है, रैंक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक के बारे में है, ये सारी चीज़ हमें लिखना है। तो सबसे पहले नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? नल मैट्रिक्स की रैंक 0 होगी, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उसकी रैंक क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसको एक्सप्लेन भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज टेकन एज 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जो 3x3 की मैट्रिक्स थी, अगर उसमें का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था तो उसका क्या मतलब है कि जो 3x3 की मैट्रिक्स है रैंक भी सेम हो रही है 3x3 की ही। ओके, तो क्या है कि रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो सेम होगा। द रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर, जो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही उसकी रैंक हो जाएगी। कंडीशन क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये है। ओके, उसके बाद थर्ड क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रही तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर जिस रैंक की, जिस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स दी है उससे कम हमारे पास रैंक मिलेगी। क्योंकि क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास है, 3x3 की मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अब क्या हुआ कि वो 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो 3x3 का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो अब हम क्या करेंगे, 2x2 की सब मैट्रिक्स लेंगे। 2x2 की सब मैट्रिक्स लेंगे तो अब क्या होगा कि अगर 2x2 के जो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब हमारे पास 2 रैंक 2 मिलेगी। ऑब्वियस है 3 से कम ही आ रही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक हमेशा लेस देन इट्स ऑर्डर, जो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उससे रैंक कम होगी। ओके, द रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स
इज लेस देन, इज लेस देन इट्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर. ओके, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स जीरो होती है, रैंक ऑफ नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो सेम ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी. रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा लेस देन वो जो मैट्रिक्स ऑर्डर है उससे कम होगी. क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इकलॉन फॉर्म्स देखेंगे, जैसे अभी रैंक हम निकालने के लिए इस तरीके से बताए हैं, अभी इकलॉन फॉर्म में एक नए तरीके से हम रैंक निकालना सीखेंगे. ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.